नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम गाजर पाक यानी गाजर की बर्फी बनाएंगे। बर्फी बनाने से पहले हम एक प्लेट में देसी घी लगा लेंगे, जिससे हमारी बर्फी प्लेट में से आसानी से निकल आएगी। अब हम एक कढ़ाई में घिसी हुई गाजर करेंगे, जो कि वजन में 1 किलो है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें 1 किलो गाजर के लिए 400 ग्राम चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। गाजर और चीनी को हम जब तक मिलाएंगे, जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। हमारी चीनी घुल चुकी है। अब हम इसे मीडियम गैस पर 15 से 20 मिनट तक ढक करके पकाएंगे, जब तक कि हमारी गाजर हल्की सॉफ्ट ना हो जाए। इसे आप बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो गाजर कढ़ाई की तली में लग जाएंगी। हमारी गाजर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बीच बीच में 3-4 बार चलाया था। हमारी गाजर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम गैस को तेज कर देंगे और गाजर के अंदर की चाशनी को सूखने तक पकाएंगे। गाजर ड्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा घी गाजरों में अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें 1 किलो गाजर के लिए 250 ग्राम मावा डालेंगे। मावे को हमने कद्दूकस में कस लिया है। मावा डालने के बाद हमें इन सबको जब तक भूनना है, जब तक ये बिल्कुल खुशक ना हो जाए। मावा डालने के बाद हमें इसे भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। यह बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे चिकनाई लगी प्लेट में निकाल लेंगे। और इसे इस तरीके से एक सार कर देंगे। अब हम इसके ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता लगा करके इसको हल्के हल्के दबा देंगे। और गाजर की बर्फी को 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी बर्फी को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके पीस काट लेंगे। यह अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनी है। लीजिए, हमारी गाजर की बर्फी तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।